हेलो दोस्तों, 2019 के अंदर एक रशियन मूवी आई थी जिसका नाम था द हाउस एल्फ। ये एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। अब ये मूवी कैसी है, इस मूवी के ऊपर आप लोगों को अपना कीमती वक्त देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन मूवी की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं लाता हूँ डेली आप लोगों के लिए इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवी जब हिंदी डब के अंदर आ जाती है तो उसकी रिव्यू। तो दोस्तों ये मूवी भी रशियन होने के साथ साथ हिंदी डब के अंदर भी देखने को आपको मिल जाएगी, और इसका जो हिंदी डब वर्जन है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है कि एक जादूगरनी है, वो जादू टोना कर रही होती है। इसको असल में एक घर में एक खजाना होता है, वो खजाना इसको चाहिए होता है। लेकिन उस घर में जो भी बंदा रहने के लिए आता है या भी जो भी लोग उस घर को खरीदते हैं, वहाँ पर असल में होता है एक जादुई टोना यानी कि एल्फ, वो उनको भगा देता है। अब वो उन बंदों को क्यों भगा देता है ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। फिर इसी तरीके से वहाँ पे एक फैमिली रहने के लिए आती है जिसमें एक खाली माँ बेटी होती है, तो इस एल्फ का उनसे पाला पड़ जाता है और वो उनको कोशिश करता है कि वो वहाँ से भाग जाए। बस फिर आपको मूवी में यही दिखाया जाएगा कि वो लोग वहाँ से भागते हैं नहीं भागते, और जादूगरनी को वो खजाना मिलता है या नहीं मिलता है, यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इस मूवी के अंदर। लेकिन मूवी जो है दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ जैसे आपको जादुई मूवी अच्छी लगती है, हैरी पॉटर हो गई या दूसरी और भी हो गई, खैर हैरी पॉटर तो ये नहीं है लेकिन फिर भी एक मैजिकल वर्ल्ड वाली फैंटेसी वाली मूवी, तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। मूवी ऐसी है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक अपने में बांध के रखेगी और आप जो है ना इसके अंदर खो जाओगे कि यार अच्छी हो, फिर एंड तक होने तक आप बोलोगे यार काश कि इसका पार्ट टू भी आता, काश कि इसका पार्ट थ्री भी आता। तो मूवी जो है ये बहुत अच्छी है। मेरा तो ओवरऑल इस मूवी को देख के जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।